गोपाल नारायण सिंह। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आपको सबसे पहले मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि बहुत दिनों 60-70 सालों के बाद इस विधा पर एक कमीशन बना के इसके अपलिफ्टमेंट के लिए एक बिल सामने लाए हैं। बंधुओं, आयुर्वेदा में दो तरह से हमको विचार करना होगा, एक रोग होने के बाद उसका इलाज और रोग न होते हुए बचपन से भी खाने की पीने की रहने की सहन की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी आयुर्वेदा के सिस्टम में ही हैं, जो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस रोग को हटने के लिए कौन सा खाना खाना चाहिए नहीं खाए, दो भाई बाग में बांट करके देखेंगे तो हमको सहूलियत होगी समझने के लिए। बहुत से हमारे विद्वान सदस्य लोगों ने बहुत कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हमारे यहाँ पुराने सिस्टम में आप अश्विनी कुमारों से शुरू होता है हमारे यहाँ ये वैद्यक सिस्टम का व्यवस्था, उसके बाद अथर्ववेद में दिया, धनवंतरी जी आए, उसके बाद उनके साथ उनके चेला लोग भी बहुत से विधा दिए। अगर आज हम उसको रिनोवेट कर रहे हैं तो सी मॉडर्न शब्द उसमें ख़त्म हो जाएगा। मॉडर्न एलोपैथिक में व्यवस्था चल रहा है। हम रिसर्च करना शुरू करेंगे तो हम पुरानी उसी व्यवस्था में जो हमारे पूर्वज लोग दे चुके हैं, हमारे ऋषि महर्षि दे चुके हैं, पुनः उनको हम रिसर्च करेंगे और फिर हम आ जाएंगे केमिकल्स पर नहीं आएंगे, हम आ जाएंगे पेड़ पौधा और जड़ी बूटियों पर। तो ये दोनों का संबंध मॉडर्नाइज से और इससे कोई संबंध बनता नहीं है। इसलिए मैं तीन सुझाव दूंगा मंत्री महोदय को, आज की आवश्यकता है कि आयुर्वेद को अपलिफ्टमेंट करने की और समाज में विश्वास दिलाने की ज़रूरत है ताकि इस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हो और इस विधा को लोग समझें, इस पर डिपेंड करें लोग। 60-70 सालों में हमने कोई इस पर व्यवस्था नहीं किया। मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी के से जितने केमिकल्स आधारित जितने हमारे मेडिसिन आए हैं उस पर ज़्यादा हमको विश्वास होने लगा। आज अगर हमको रिसर्च करना है तो हमारे गाँव में दादी के नुस्खा जो कहे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर उसका निदान दिया हुआ है, उसको रिसर्च करना होगा और उसको आयुर्वेद के संस्था में लाना पड़ेगा। मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आपकी कमेटी जो बनाने का आपने लिस्ट दिया है उसमें सभी ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न पढ़ाई लिखे, उसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े देश में वैद्य लोग हैं जो आज भी उसका प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छे प्रैक्टिस है, उनका विश्वास भी है, उन पर हजारों लोग रोज जाते हैं दवा लेने के लिए। क्या उस कमेटी में उनको नहीं शामिल कर सकते हैं? अगर वो कमेटी में शामिल होंगे तो वो ज़्यादा सुझाव देंगे आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि वो प्रैक्टिशनर हैं। आज हमारे यहाँ एक पुरानी सिस्टम चली आ रही है कि रोग से हो या हमारे संस्कार से हो, हर एक पुरानी चीज़ों को हम लोग अपनी परंपराओं में ढाल देते थे। और आज भी हमारे गाँव में एक परम्परा बनी हुई है कि अगर आपको पेट गैस का बीमारी होता है तो क्या क्या खाना है और क्या पीना है और कैसे आपको रहना है। अगर हम इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लें और आगे बढ़ते चाहिए तो हमको बहुत बड़ा रिसर्च की आवश्यकता नहीं। ऑलरेडी समीची विधाएं हमारे गांव में, हमारे जिसे अभी जयराम रमेश जी ने कहा आदिवासी क्षेत्र में, ये सब पड़े हुए जो लोग अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं। इसलिए इस पर रिसर्च करना है कि हमको आयुर्वेद को डेवलप करने के लिए जो छोटी छोटी विधाएं पूरे देश में अलग अलग चल रही हैं उनको समेट कर एक सिस्टम में लाए और सिस्टम में ला के लोगों में विश्वास जागृत करें इस पर। दूसरा चीज़ कि हमारे यहाँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़े हुए वैद्यों की भी बहाली होनी चाहिए ताकि दोनों का पैरेलल इफेक्ट सामने से आ सके कि अगर मेडिसिन का दवाई होता है तो साथ साथ एक ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, कुछ विधाएं ऐसी पेट से है गैस से संबंधित होती हैं जो आयुर्वेद में उसका ज़्यादा इलाज है। अगर हम मेडिकल कॉलेज खोलते समय अगर एक 8 मेडिसिन डॉक्टर को बहाल करते हैं उसमें एक क्यों नहीं कंपल्सरी हम करते हैं कि वैद्य लोगों को या ये आपको आयुर्वेद विद्यालय जो है उनसे जो एक सर्टेन लिमिट का एजुकेशन का फिक्स करके उनको यहाँ लाएं, और वो अगर लाएंगे तो पैरेलल जो दोनों साथ एक साथ ओपीडी में बैठते हैं दोनों डॉक्टर और वहाँ पर उनका कंपटीशन होगा तो पब्लिक में जागृति ज़्यादा आएगी।
और उससे लोग विश्वास पैदा करेंगे लोग। ये जरूर है कि हम अगर इस टेक्निक को डेवलप करते हैं तो लोगों पर इकोनॉमिकल प्रभाव कम पड़ेगा, क्योंकि आज मेडिसिन इतना कॉस्टली होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो केमिकल्स हैं, हमको दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। एक पेपर में हम पढ़े थे कि चाइना में वायरस होने के चलते हमारे यहाँ केमिकल्स महंगे हो जाए, केमिकल्स वहाँ से आएंगे नहीं इसलिए दवा महंगा हो जाएंगे। आज हम इस स्थिति में हैं, लेकिन आयुर्वेद की जितनी चीज़ें हैं, दवा जितनी बनती हैं, वो सब अपने देश में जड़ी बूटी में हैं। हमारे देशों से उसके बाद हमारे देश में जितनी जड़ी बूटियां हैं आज चाइना ले जा रहा है बॉर्डर एरिया से। हमारे देश में हर्बल के नाम पर हमारे यहाँ जो पैदा होते थे अमेरिका और इंग्लैंड उस पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ शुगर के बारे में, जैसे हमारे फर्नांडिस साहब ने कहा कि गठिया के बारे में पैर के दर्द के बारे में छोटी छोटी चीज़ें सब जगह खुली हुई है। हमारे डिपार्टमेंट को और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए इन सब विधाओं को सबको रिसर्च करके उनको लेके उस पर एक नया सिस्टम बना दें, ताकि लोगों को आगे चलने में, समझने में, पढ़ने में, सोचने में अच्छा हो और एक इसका विस्तृत प्रचार हो। आयुर्वेद पर प्रचार नहीं हुआ है। आप जाएंगे गरीब तबके के लोग होम्योपैथी की दवाई लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई लोग जो जानकार नहीं है, साधारण लोग कभी आयुर्वेद दवाई लेने के लिए नहीं जाता है। हमको ये प्रमोट करना आवश्यकता है। अगर इसको हम डेवलप करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक विधा को हमको डेवलप करना पड़ेगा, प्रचार प्रचार करना पड़ेगा। और रही बात कि आयुर्वेदिक कॉलेज इतने खुले हुए हैं, मैं 4-5 कॉलेज में गया हुई हूँ, कुछ 2-4 डॉक्टर चाहता था अपने यहाँ लाना, कहीं भी कोई स्तर का पढ़ाई नहीं होता है, उनसे अगर बेसिक चीज़ पूछते हैं तो वो भी जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए जितनी आयुर्वेद कॉलेज हैं उनके स्टेटस को भी इंक्रीज करना, उनको पढ़ाई का भी असर बढ़ाना और तब उनको प्रैक्टिस में लाना, पैरेलल खड़ा करना, मेडिकल कॉलेज के साथ उनको पैरेलल खड़ा करना होगा। तो सरकार जो है उनको उन डॉक्टरों के पैरेलल उनको व्यवस्था देना होगा, ताकि उसके पैरेलल देखे कि गरीब लोग वहाँ सस्ता दवाई लेने के बाद उसका इलाज बढ़िया होता है और महंगा इलाज जो हम केमिकल दवाई लेके करते हैं वो थोड़ा हमको महंगा पड़ता है, इसलिए लोगों का डाइवर्सन उधर हो। ये छोटी छोटी चीज़ें इसके विकास के लिए आवश्यक हैं। इस पर अगर हम ध्यान दे के आगे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज़ की अभी योग पर बात आई, नेचुरोपैथी पर बात आई, ये एक एक स्वस्थ रहने की एक परंपरा है, ये निदान नहीं है। ये बचपन से योगा को ट्रेनिंग दिया जाता है और साथ साथ आदमी मनुष्य जीने के साथ साथ अगर योग करते रहे तो उसकी लाइफ लंबी होगी। इसको अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी भी योग के तरह ही से थोड़ा ट्रेंड है, इसलिए सबको मिला के एक सिस्टम जो आप ले रहे हैं, इसलिए अलग अलग और आयोग बनाते चलेंगे जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है, तो ये इतना विस्तृत हो जाएगा कि सब आपस में ही एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगे या क्लैश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आयुर्वेद के सिस्टम में एक ब्रांच अलग है, आयुर्वेद है, उसमें नेचुरोपैथी भी है, योग भी है और दवा की भी व्यवस्था भी है और रिसर्च भी है। और रिसर्च करने में हमको बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास जो जितने वेद और उपनिषद हैं सब में इसकी विधा दिया हुआ है, लेकिन हम उनको न पढ़ के अगर हम अपने गाँव के व्यवहार में, देहातों में जो परंपराएँ हैं वो भी आयुर्वेदिक सिस्टम पर बने हुए हैं, उन विधाओं को लेके अगर हम ज्ञान लेके उस पर लिपिबद्ध कर लें और उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो ज़्यादा इसका विकास होगा और लोगों को समझ में आएगा और ये विधा ज़्यादा पॉपुलर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद श्री हुसैन दलवाई।